बिल पर पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको पैन कार्ड की लोगो पर क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया पैन कार्ड पर। अब यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है। ये न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक किया मैंने। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे ओपन होगा यूटीआई का पोर्टल और यहाँ पे एक मैसेज दिखाई देगा आपको। आपको इसे ओके करना है। यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल करना है, एड्रेस फिल करना है। ये डिटेल फिल किए बिना आप नहीं बना सकते। यहाँ पे ये फिल किया, सिटी फिल किया, पिन कोड फिल किया, फ़ोन नंबर फिल किया, पैन, ये मैंडेटरी नहीं है, पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे सारे ऑप्शंस खुल गए। इस मैसेज को ओके करेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं न्यू पैन। करेक्शन करना है तो यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं किसी के पैन कार्ड में। यहाँ से अगर कोई पैन कार्ड ऑब्जेक्शन में जाता है तो उसे निकाल सकते हैं। यहाँ से पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ प्रोसेस उसकी पहुँची है। यहाँ से हमने जितने भी न्यू पैन कार्ड और करेक्शन पैन कार्ड बनाए हैं वो देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले न्यू पैन कार्ड कैसे बनाना है वो देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, इस पर क्लिक करेंगे जब हमें नया पैन कार्ड बनाना होगा। किसी कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है, नया पैन कार्ड बनाना है तो यहाँ क्लिक करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको आते हैं, बोथ फिज़िकल ई पैन। बोथ फिज़िकल पे आप क्लिक करेंगे अगर आपको पैन कार्ड घर पे भी चाहिए और ईमेल पे भी चाहिए। अगर खाली ईमेल पे चाहिए तो ई पैन पे टिक करना है, जैसे यहाँ पे बोथ पे क्लिक करता है। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से आपको फिल करना है, सिलेक्ट टाइटल, यहाँ से फिल करना है। जैसे कुमारी, यहाँ पे हम किसी का डिटेल फिल करते हैं, जैसे लास्ट नेम है। डिटेल जैसा आधार में लिखा है वैसा ही फिल करना है। अगर वैसा डिटेल हम फिल नहीं करेंगे तो हमारा पैन कार्ड ऑब्जेक्शन में जाएगा। तो सेम डिटेल जो आधार में लिखा है वही फिल करना है। यहाँ पे लास्ट नेम में सरनेम डालना है और फर्स्ट नेम में जो पहला नाम है, जैसे श्रद्धा शर्मा। अब यहाँ पे जेंडर है फीमेल। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया हमने, ये हमने डाल लिया डेट ऑफ बर्थ जैसा आधार में लिखा है। अब यहाँ पे सिक्स्थ कॉलम में नो फिल करके यहाँ पे फादर का डिटेल डालेगा। जैसे हम यहाँ डिटेल डाला, लास्ट नेम यानी कि सरनेम डाल दिया, फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस डालना होगा, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे पिन कोड डालना है, पिन कोड डाल दिया। यहाँ पे मैंने रेसिडेंस एड्रेस डाला है क्योंकि पैन कार्ड घर पे मंगाना है। अगर पैन कार्ड शॉप पे मंगाना है तो ये ऑफिस एड्रेस डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर घर पे मंगाना है तो रेसिडेंस सिलेक्ट करना है और शॉप पे मंगाना है तो ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एओ कोड ऑटोमेटिक मांगता है। ओके, ये एओ कोड फिल हो जाएगा। यहाँ पे नाइन्थ कॉलम में यहाँ पे लिखना है 91। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे ट्वेल्थ कॉलम में फर्स्ट, सबसे पहले आधार नंबर डालना है।
यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया है, फिर से डिटेल फिल कर देते हैं। यहाँ पे नो लिख के फादर नेम फिल किया, लास्ट सरनेम पहले डालना है, फिर फर्स्ट नेम डालना है, मदर नेम मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस डालना है, जैसे मैंने एड्रेस डाल दिया। जैसा एड्रेस आधार में लिखा है वैसा ही डालना होगा। यहाँ पे पिन कोड डालना है, ये पिन कोड डाल दिया। अब डालने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे रेसिडेंस सिलेक्ट कर लिया। अगर ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पैन कार्ड ऑफिस में मंगाना है यानी कि शॉप पे मंगाना है तो ये AO कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। अब यहाँ पे 91 डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डलेगा, यहाँ ईमेल आईडी डलेगा, यहाँ पे आधार नंबर डलेगा, दोबारा डालना है आधार नंबर, ओके। अब यहाँ पे जो नाम आधार में लिखा है एज इट इज़ हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ लिखने के बाद यहाँ नो इनकम सेलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ पे 14th कॉलम, ये कॉलम नहीं फिल करना है, ये तब फिल किया जाता है जब 18 ईयर्स से कम के बच्चों का जो है आधार पैन कार्ड बनाया जाता है तब। अब यहाँ पे आधार आधार सेलेक्ट है, आइडेंटिटी प्रूफ आधार, एड्रेस प्रूफ आधार, डेट ऑफ बर्थ आधार। यहाँ पे कैपेसिटी सिलेक्ट करनी होगी, हिमसेल्फ हरसेल्फ, यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली फिल होगा और इसको सबमिट करना है। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे उसके बाद इस फॉर्म का प्रिंट निकाल के फ़ोटो और सिग्नेचर करके हमें यहीं पोर्टल पे अपलोड करना होगा। इसी तरीके से न्यू पैन कार्ड के लिए ये फॉर्म भरा जाता है। यहाँ पे टिक करना है बोथ चाहिए या ई पैन चाहिए।